सरदार बलजिंदर सिंह स्टेट बॉडी सरकारी प्राइमरी स्कूल अकला मानसा जी, आज ये साडे नाल कुछ राइटिंग दे विचार सांझे करनगे। हां जी सर। हां जी, मैं इस 15 ते सज्जे कैंप दी शुरुआत किसी वीर द्वारा लिखी हुई हां कुछ लैणा नाल करांगा। होर बोलियां भी असी सिखांगे, पर असी पंजाबी नाल ही जानदे हां। असी गोद विच बह के उड़े दे उहदा निग भी मानदे हां। असी सस्से तो सिख्या है सत्कार करना, मेरे कैंप दे सत्कारयोग शख्सियतां लईआं ने इह लैणा। असी सस्से तो सिख्या है सत्कार करना जी, सानू पप्पा पढ़ा गया है सब नाल प्यार करना जी। कदे करारां दे कक्के असी झूठे कीते ना, असी जज्बातां दे जज्जे कदे झूठे पीते ना। असी दद्दे वर्गे सज्जन, मेरियां मानयोग शख्सियतां जो कैंप अटेंड कर रहियां ने उहनां लई ने इह खास लैणा, असी दद्दे वर्गे सज्जन दिलदार बनाए जी, जिन्हां साडे नाल हस के अपने कौल नवाए जी। छड गरूरां वाले गगे, छड गरूरां वाले गगे, हुण बड़वंले गुरुआं नाल जुड़ गए हां। छड पट पब्बे भड़कण वाले पब्बे, चंगियां राहां वल मुड़ गए हां। सो इस कैंप नूं ऑर्गेनाइज कर रही समुची सरदार गुरप्रीत सिंह सोढ़ी जी दी टीम, मैम रजिंद्रपाल जी, मेरे सत्कार कबीर गोपाल सिंह जी रटोला, सरदार एस पी सिंह जी अमृतसर, सरदार कमरजीत सिंह जी, ते ओ होस्ट कर रहे विशेष तौर ते सरबजीत सर जी जो के धुरा ने साडे, उहनां दा ते बहुत मेन काम है जी। जी मैम, इन्हां सारीआं सत्कार शख्सियां दा ते होर सारे उहनां मानयोग जिन्हां दा मैं नाम इत्थे पढ़ा तां शायद टाइम लग जाएगा, उहनां दा दिलों धन्नवाद करदा होया कैंप दे प्रति मैं इही भावना अपनी व्यक्त करदा हां कि भावें कि पहला भी बच्चों नूं मैं लै जांदा सुंदर लिखाई पेंटिंग हर तरह की वाहगुरु ने एक मेहर भरिया हथ किया होगा तो करता रहे, पर जो सुकून तो हुण बरीकियां इस कैंप दे विच रह के सिखियां ने। मैं कई बार सर दीआं वीडियोज़ वेखियां ने तुहाडे नाल सर, साडे मानसा तो जगजीत सर भी जुड़े हुए ने पंजाबी मास्टर, उन्हां तों मैं जिथों पहला अपने बच्चे लिया, मतलब बच्चे मेरे खेतरी पद्धर तक भी गए है, पर मैं आप किसी ते डिपेंड सीगा ते कहण तों भाव भी बच्चों मैनू एक चा सी बच्चों का, भावें 7 बज जाते 8 बज जाते किसी को लेके जाना बच्चे लिए अरेंज करना, पर हुण मैनू इस कैंप के जरिए अज चौथे दिन कैंप से मान करते हुए जिथे मैं इस कैंप का आनंद माणिया। बाकी मैं एक विशेष गल होर तौर पर कहना चाहना, मैं परसों सर नाल गल कर रहा सीगा कि कैंप तो बाद नाल दी नाल मैं अभ्यास करदा ते नाल दी नाल मैं एक दिखाना चाहना मैंने एक चा एक बच्चे वांगू जिवें हुंदा है, ते बाकी जिवें ब्लैक एंड वाइट कढ़ा के लियाउणे तां मैं प्रिंटर जरूर कढ़ा के लियाउणा जी, क्योंकि पहले मैं ब्लैक एंड वाइट कॉपियां कढ़ा के लियाया कितने ना कितने मैनूं इह लग्गिया मैं ज्यादती कर रहा जी, जदों सर ने दस्सिया वी छछे लाल रंग च ने, बाकी बाकी दा ब्लैक एंड वाइट कराया क्योंकि उन्हां दे अभ्यास करना काले पेन नाल, मैं कोशिश करांगा जी इस कैंप तों किन्नियां मान मतियां रूहां दीआं लिखाईआं, चाहे साडे बोर्ड दे जादूगर सरदार गोपाल सिंह जी उहनां दा विशेष तौर ते धन्नवाद करदा जी, जिन्हां ने वी बोर्ड दे जादूगर पहले जो कि साडा डे फर्स्ट दा बैक बैक पन्ना गा उते उन्हां दी प्रिंट कीता होया जी, ते दूसरे दिन सरदार कमरजीत सिंह जी दी मोतियां वाली लिखाई पमा स्टीव जिहड़ा उत्थों दा अपने आस्ट्रेलिया दा स्टीव स्मिथ है अपने आप नूं सजा दिंदा है, पर उहदी सजा दे विचों मैनूं मोती दिख रहे ने जी जिहड़े उन्हां ने चिणे ने, चाहे तीजे दिन मैडम सूरजमुखी दे फुल वर्गी लिखाई भी उन्हां ने सूरजमुखी तीसरे दिन दी, ते अज चौथे दिन मैं पढ़िया स्पैशल मैडम श्रीमती भुपिंदर कौर जी उहनां ने वाहिगुरु दी रजा दे विच जो मुझे इस तरह गुरप्रीत सर कहते हैं भी मैं एक बड़ियाई कर रहा उन्होंने जी। सो ये कैंप बारे मेरे को मतलब ये नहीं है जो मैं मेरे को शब्द नहीं लभ रहे सच दसा जी, मैं गल नहीं आ रही, एक बार तो एक दिन अखा च पानी भी आ गया जो देख के कल इस कैंप नो सर ने दसिया भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तुम कि लग रहा भी मैं एक स्पैशली तौर पर 2.5 घंटे कट के मैडम तारे जमीन पर फिल्म है जो कि 2007 के आई थी जी वो वेखी जो मैं देखा है ईशान अवती है जी अपना भी वो आमिर खान जेकर नेड़े जाके भावना समझ के भी उस बच्चे की गुण कर सकता है, असं फिर भी अध्यापक किते जुड़े हुए हैं जी। तो थोड़े इस कैंप के जरिए मैं लगता है चढ़ा पंजाब लहंगा पंजाब, जो परदेसी वसे पंजाब ने
ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਓ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਭੇਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਪਾਲ ਸਰ ਦੀ ਜੋ ਡੇਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੈਸੇ ਕਮਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਾਓਗੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੋ ਇਹ ਅੱਖਰ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਜੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤੇ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾਣਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਹੱਥ ਹੋਣ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੰਗ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਵਰਗੇ ਤੰਗ। ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕੈਂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਚਾਅ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।